अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं फूड डायरीज बाय सोनिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की मनपसंद चीज बेक्ड पोटैटो स्पाइरल्स। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले डो को तैयार करना होगा, जिसके लिए हमें जरूरत होगी 2 कप मैदा, 2 अदद अंडे, 1 कप दूध, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पाउडर्ड शुगर, 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर, 1 टेबलस्पून ड्राई यीस्ट। तो आइए सबसे पहले डो को तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे मैदा, ऐड करेंगे चीनी, नमक, ड्राई यीस्ट, खुश्क अज्जा को मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे मक्खन, अंडे, इसे मिक्स कर लेंगे। अब दूध की मदद से इसे गूंद लेंगे। फ्रेंड्स, हमने डो को गूंद लिया है, अब इसे ढक के किसी गर्म जगह पर रख देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें जरूरत होगी 1/2 kg आलू, जिन्हें हमने बॉईल करके मैश कर लिया है, स्प्रिंग अनियन जिसका व्हाइट पार्ट अलहदा किया हुआ है और ग्रीन पार्ट को अलहदा किया हुआ है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून दरदरा मिर्च, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून वूस्टर सॉस, 1 टीस्पून भुना हुआ दरदरा जीरा, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। सबसे पहले हम लेंगे ऑयल, ऐड करेंगे प्याज, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ऐड करेंगे सोया सॉस, वूस्टर सॉस, नमक, काली मिर्च, दरदरा मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, मिक्स करेंगे। चिकन पाउडर को थोड़े से पानी में मिक्स करके डालेंगे। ऐड करेंगे आलू, मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन, उसका ग्रीन पार्ट, मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी और मजेदार सी खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स, फिलिंग तैयार है, अब हम इसे ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, अब हम डो को चेक कर लेते हैं। ये देखें कितनी अच्छी राइज हो गई है। मैदा डस्ट करेंगे, अब इसको बेल लेंगे। आपने इसे थोड़ा लंबाई के रूप बेलना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरह बेलना है, इसको लंबाई के रूप हम बेल लेंगे। अब इसमें रखेंगे फिलिंग,
फिलिंग को भी आपने किनारे पे रखना है लंबाई के रूप। अब इस पे डालेंगे थोड़ी सी चीज। अब हमने डो की कटिंग करनी है। ओवन को हमने 200 डिग्री पर प्री हीट के लिए छोड़ दिया है। अब इसको फोल्ड करेंगे। आपने बड़े आराम से इसे चारों तरफ से फोल्ड करना है। इसे नरम हाथों से फोल्ड करते जाएं। फ्रेंड्स, अब इसे ग्रीस किए हुए पैन में रखेंगे। इसको आराम से उठाइए और पैन में रखते जाइए। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। अब हम इसे 10 मिनट के लिए किसी गर्म जगह पे रखेंगे ताकि ये दोबारा से राइस हो जाए। अब हम इसके ऊपर अंडे की टॉपिंग करेंगे। इसके ऊपर डालेंगे कुछ सफेद तिल। कुछ पार्सले, ये ऑप्शनल है। अब इसे 180 डिग्री पे 20-25 मिनट्स बेक कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे स्टफ्ड पोटैटो स्पाइरल्स बेक हो गए हैं। देखिए कितनी शानदार लुक आई है इनकी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को बना के दीजिएगा। आप देखेंगे वो बार बार आपसे इसकी फरमाइश करेंगे। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हुए हैं। अब मैं आपको इसे काट के भी दिखाती हूं। ये देखें कितनी शानदार लुक है इनकी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।